लगता हो जाऊंगा। पता है तुझे यहाँ क्यों लाया? क्योंकि इधर कोई झूठ नहीं बोलता, सच कह रहा हूं। श्रॉफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इतनी इज्जत, हमें बचपन से ही कुछ बातें सिखाई जाती हैं और हम उन बातों को जिंदगी भर याद रखते हैं। क्या आपको याद है हम छोटे थे और हमारे पापा मम्मी हमें सिखाते थे कि हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये सभी बातें हम आगे जाकर हमेशा काम आती हैं, क्योंकि आप जब हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और सारी सिखाई बातें हमें आगे जाकर काम आती हैं। चाहे वो हमसे उम्र में बड़े हों या फिर हमारे वर्क प्लेस में हमारे सीनियर्स, या हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है। और लगता है कि बॉलीवुड में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि टाइगर श्रॉफ जिनकी फिल्में 200 से 300 करोड़ की कमाई करती हैं, वो अपने सीनियर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की काफी इज्जत करते हैं और उन्हें बहुत कुछ सीख भी चुके। अब टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर से हीरोपंती 2 में साथ दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि हीरोपंती 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलेन का किरदार निभाने वाले हैं। हीरोपंती 2 से पहले ये दोनों एक साथ मुन्ना माइकल में काम कर चुके हैं और इसलिए दोनों एक दूसरे से काफी कुछ सीख भी चुके हैं। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने टाइगर श्रॉफ से कुछ कूल डांस मूव सीखे हैं, तो टाइगर ने न केवल अपने आने वाले करियर के लिए कुछ अनमोल टिप्स लिए बल्कि ह्यूमिलिटी का एक बड़ा सबक भी लिया। टाइगर श्रॉफ का कहना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुश्किलों से आगे बढ़कर आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे। बॉलीवुड में उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था, उन्होंने अपने दम पर अपना नाम बनाया। उन्होंने कैमियो अपीयरेंस के साथ शुरू किया और आज अब उन्हें बॉलीवुड के सबसे बेस्ट एक्टर्स में से एक माना जाता है। लेकिन फिर भी वो इतने डाउन टू अर्थ है। अब टाइगर श्रॉफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन हो सकता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी हीरोपंती 2 के सेकंड हाफ में एंट्री ले। दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पहले फिल्म का पहला स्केड्यूल पूरा हो गया था और सुनने में आया था कि फिल्म के फर्स्ट हाफ की शूटिंग हो चुकी है और फिल्म के दूसरे स्केड्यूल की शूटिंग लंदन में की गई, जहां पर नवाज भी फिल्म के कास्ट का हिस्सा बने। इसलिए हो सकता है कि उनके किरदार की एंट्री फिल्म के दूसरे हाफ में हो। चाहे उनकी एंट्री किसी भी हाफ में हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि नवाज फिल्म में अपने किरदार से धमाल मचाने वाले हैं और हम उनके इस अवतार को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं पलक आपसे विदा लेना चाहूंगी। फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब।